अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि तुम अंश द्रोण से बात कर रहे हो, उन मंगल पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और क्रीड़ा भूमि में अंतर करना सीखो। युद्ध भूमि हमारे पक्ष में है, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं। हमारे जवान में जब भी बीआर चोपड़ा की माँ भारत और मुकेश खन्ना के धारावाहिक शक्तिमान की बात आती है, तो दो ही करेक्टर हमारे आंखों के सामने आते हैं। माँ भारत सीरियल में द्रोणाचार्य और शक्तिमान सीरियल में तमराज किल्विस। ये करेक्टर इतने पॉपुलर हैं कि आज भी अगर देखा जाए तो बस जी करता है कि देखते ही रहें। लेकिन सबके मन में यही सवाल रहा है कि इस यादगार भूमिका को निभाने वाले एक्टर का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुश कुमार और आप देख रहे हैं एक नज़र में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और निर्देशक सुरेंद्र पाल की, जिन्हें हम भैया के नाम से जानते हैं। सुरेंद्र पाल जी का जन्म 25 सितंबर 1953 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, लेकिन इनके पूर्वज राजस्थान के पाली से ताल्लुक रखते हैं और शायद यही वजह है कि ये वर्तमान में राजस्थानी फिल्मों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इनके परिवार के बारे में बात करें तो इनके माता और पिता के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इनके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP थे और ये 5 भाइयों में से सबसे छोटे थे। इनके 2 बड़े भाई भारतीय सेना में शामिल हुए और 1 भाई पुलिस सेवा में शामिल हुए, जबकि इनके एक और भाई के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से ही की और गाजियाबाद से ग्रेजुएशन किया। हालांकि इनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद इनके पिता चाहते थे कि सुरेंद्र भारतीय सेना या पुलिस सेवा में शामिल हो, लेकिन ये उनमें से किसी से भी नहीं जुड़े क्योंकि ये एक्टर बनना चाहते थे। 1980 में सुरेंद्र पाल ने अपना घर छोड़ दिया और अभिनेता बनने के लिए मुंबई चले गए। उस समय उन्हें फिल्मों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें निर्माता और निर्देशक के बीच अंतर भी नहीं पता था, और कुछ समय तक इनको मुंबई में स्ट्रगल भी करना पड़ा। और सन 1981 में कादर खान द्वारा निर्मित फिल्म समा से अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने इस फिल्म में शबाना आजमी और गिरीश कर्नाड के साथ एक नकारात्मक भूमिका में थे। उनकी दूसरी फिल्म गृहस्थी थी, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार के साथ काम किया था। पाल को पहली बार JP दत्ता की फिल्म गुलाम में देखा गया था, जिसमें उन्होंने डाकू सूरज भान की भूमिका निभाई थी। सुरेंद्र पाल ने अपने करियर में 40 से ज़्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने खुदा गवाह, लक्ष्य, जोधा अकबर, एयरलिफ्ट और रंगून जैसी कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। सुरेंद्र पाल राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उन्होंने नानी बाई, रो मेरो और पक्की हीरोगिरी जैसी कुछ राजस्थानी फिल्मों में अभिनय और निर्माण भी किया है। बीआर चोपड़ा की माँ भारत करने के बाद ये एक घरेलू नाम बन गए और आज भी इन्हें द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है। माँ भारत में द्रोणाचार्य के रूप में इनके समाज बहुत लोकप्रिय हुए। सुरेंद्र पाल जब माँ भारत में द्रोणाचार्य की भूमिका लेकर उतरे थे तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। प्रारंभ में उन्हें माँ भारत में द्रोणाचार्य का चित्र करने में बहुत संदेह था, जैसे कि उन्हें डर लगता था कि भूमिका उन्हें उद्योग और टाइपकास्ट कर देगी। माँ भारत के बाद सुरेंद्र पाल को विभिन्न टेलीविजन परियोजनाओं के लिए कई प्रस्ताव मिलने लगे। वह कई लोकप्रिय टेलीविजन शो में दिखाई दिए, जिनमें से उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन दिए, जैसे कि चाणक्य में, महात्म्य राक्षस, द जी हॉरर शो में धुंध, शक्तिमान में तमराज किल्विस। इस करेक्टर को कौन भुला सकता है। तमराज किल्विस का तो करेक्टर 90 के हर बच्चे के जीवन पर था और अभी जो लोग देखे होंगे उनके तो जीवन पर आज भी होगा। इसमें का एक फेमस डायलॉग भी है, अंधेरा कायम रहे। सगुन में कैलाश नाथ और रहने वाली महलों की सीजन 2 में गुरु जी और देव के देव महादेव में प्रजापति दक्ष की। माँ भारत के बाद एक और पौराणिक भूमिका निभाने में उन्हें 23 साल लग गए, जब उन्होंने देव के देव महादेव में प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाई। इन्होंने द्रोणाचार्य के बाद लोकप्रिय भारतीय सुपर हीरो टेलीविजन शो शक्तिमान में तमराज किल्विस की भूमिका के साथ सफलता की दूसरी लहर का स्वाद चखा। तमराज किल्विस बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए और उनका एक लाइनर अंधेरा कायम रहे भारतीय टेलीविजन के लोकप्रिय वन लाइनर में से एक माना जाता है। शक्तिमान के 50वें एपिसोड के बाद तमराज किल्विस का असली चेहरा सामने आता था। सुरेंद्र पाल तमराज किल्विस के श्रृंगार के लिए कई नवीन प्रचार लेकर आए और उन्हें एक पुराने विग का भी इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म खुदा गवाह में इस्तेमाल किया था। सुरेंद्र पाल भाजपा समर्थक हैं और ये अक्सर देश भर के विभिन्न चुनाव पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। हालांकि 2007 में इन्होंने भोजपुरी फिल्मों की तरफ भी रुख किया और कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और उसमें काम भी किया। अगर इनकी कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये कंट्रोवर्सी में भी रहे। 2019 में
कोबरा पोस्ट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सुरेंद्र पाल को उन हस्तियों में शामिल किया जो भारत में राजनीतिक दलों के लिए पेड प्रमोशन करते थे। जब कोबरा पोस्ट ने लोखंडवाला लव एंड लट्ठे काफी शॉप में पाल के साथ एक बैठक आयोजित की जो वह जाल में फंस गए और बीजेपी के लिए पेड प्रमोशन करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब कोबरा पोस्ट ने इन्हें 8 महीने के अनुबंध की पेशकश की जिसके अनुसार पाल को रुपए का भुगतान किया जाएगा। ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 15 संदेशों की प्रतिमा 30 लाख उन्होंने खुशी खुशी इसके लिए सहमति व्यक्त की और कहा, बस आप ये ध्यान रखें कि 8 महीने जारी रखें, ये नहीं कि बीच में छोड़ दें। आप मुझे और अगर हो सके तो फिर 8 महीने बाद भी जारी रखें, उसे आगे भी जरूरत पड़ेगी। बीच रास्ते में मुझे मत छोड़ना और हो सके तो 8 महीने बाद जारी रखना, आपको इसकी और आवश्यकता हो सकती है। अगर हम इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 1996 में बरखा शर्मा से इनकी शादी हुई और इनकी शादी से इनके 3 बच्चे हुए जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम शिवम सिंह जो एक टेलीविजन एंकर है और छोटे बेटे का नाम शुभम सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और बेटी शिवांगी सिंह जो गोवा में एक 5-स्टार होटल में जिम मैनेजर हैं। हालांकि सन 2002 में इनका बरखा सिंह से तलाक हो गया और 3 बच्चे इनके ही साथ रहते हैं। आने वाले समय में इनके कई मूवी आने वाली है और आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।